लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। एल झारखंड में बच्चा चोरी के शक में क्यों और कैसे भीड़ ने की सात लोगों की हत्या। नई दिल्ली, 18 मई 2017 को जमशेदपुर के पास दो अलग अलग जगहों पर बच्चा चोरी के शक में सात लोगों की भीड़ ने हत्या कर दी। अफवाहों की शुरुआत कहां से हुई, जब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो वे लोकल पत्रकार शंकर गुप्ता और सुशील अग्रवाल तक पहुंची। पुलिस का दावा है कि हमले से सात दिन पहले इस तरह के मैसेज व्हाट्सएप पर फैलने शुरू हुए। बिहार, पत्नी के हत्यारे को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। पुलिस को जांच में पता चला कि शंकर गुप्ता ने 11 मई को ये मैसेज पोस्ट किए। इस मैसेज में लिखा था कि बच्चा चोर जादूगोड़ा में घुस चुके हैं। इसके बाद दुर्को गांव में एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहे लोगों को सुबह 8 बजे लोगों ने पकड़ा। गांव वालों की सूचना के बाद पुलिस ने बच्चा चोरों को पकड़ लिया। इसके बाद अग्रवाल ने कुछ घंटों बाद ये मैसेज पोस्ट किया। अगवा करने वालों के पास आतंक कार्ड, चॉकलेट, गेंदे और बेहोशी की दवा मिली है। गुप्ता के मैसेज उस ग्रुप पर चले जिसका वो एडमिनिस्ट्रेटर है। इस ग्रुप से 225 लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें पत्रकार, पुलिस अधिकारी और लोकल अफसर शामिल हैं। पुलिस का कहना है ये सारे मैसेज फर्जी हैं। उसने गुप्ता को गिरफ्तार किया और अग्रवाल से पूछताछ की। गुप्ता जमानत पर बाहर है और उसका कहना है कि ये मैसेज उसने भेजने शुरू नहीं किए थे। व्हाट्सएप पर संदेश फैलने से पहले 1 और 6 मई को ये लेख हिंदुस्तान और प्रभात खबर में छपे। दोनों ही इस इलाके में काफी तादाद में पढ़े जाने वाले अखबार हैं। दोनों ने ही जमशेदपुर के पास चाकुलिया गांव से 12 साल के एक लड़के को अगवा करने की कोशिश की खबर छापी। 5 दिन बाद खबर छपी कि मानसिक रूप से परेशान एक शख्स को बचा चोरी करने की कोशिश के आरोप में पास के गांव में भीड़ ने मार डाला। ये खबर किसकी है, ना तो उस संवाददाता का नाम था, ना पुलिस का बयान, लेकिन लड़के का फोटो छपा था। प्रमोटेड इंस्टॉल्स, पुलिस के पास अपहरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 13 साल के सिपाही का पता लगाने के लिए हम चाकुलिया गांव गए। सिपाही अपनी बहन और दादा दादी के साथ रहता है। उसने बताया कि उसके घर में कोई घुस आया था, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो चोर था या बच्चा अगवा करने वाला है। लेकिन जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो कहानी अपहरण की तरफ मुड़ गई। अपराधों के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में बच्चा चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। 2014 से 2016 के बीच जितने अपहरण हुए उसके 3 गुना 2017 में हुए हैं।